बड़ी खबर के प्रायोजक है पेट सभा हर रोग दफा। देखिए बात, स्वागत है आपका। तो बात होगी मार्कशीट माफिया के कारागार कनेक्शन की, लेकिन उससे पहले 8:31 की और 40 सेकंड की बड़ी खबर आपको बता दें। 9 सितंबर से महंगा होगा राजधानी शताब्दी दुरंतों का सफर। राजधानी शताब्दी दुरंतों ट्रेन में फ्लेक्सी फेयर सिस्टम लागू। 10% सीट बुक होने पर हर बार बढ़ेगा 10% किराया। समायोजन की मांग को लेकर प्रदर्शन करे शिक्षा मित्रों पर पुलिस ने भांजी लाठियां। विधानसभा का घेराव करने जा रहे थे शिक्षा मित्र। मऊ में न्याय न मिलने पर चिता पर लेटी बेबस मां। बेटी की हत्या के मामले में आला अधिकारियों से गुहार लगाने के बावजूद अब तक नहीं हुई है कार्रवाई। जी हां, शिक्षा बोर्ड का हाल किसी से छिपा नहीं है। वाराणसी की खबर सरकारी सिस्टम के चेहरे से नकाब हटाती है। कैसे मार्कशीट के सत्यापन के लिए अगर घूस नहीं दी तो सालों इंतजार करना पड़ता है। यह है वाराणसी का माध्यमिक शिक्षा परिषद का कार्यालय, जहां हर रोज सरकारी मुलाजिमों की मनमानी चलती है, जिसका खामियाजा आम जनता को उठाना पड़ता है। अगर आपको अपनी मार्कशीट का सत्यापन करवाना है तो आपको सालों इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन आप इंतजार नहीं कर सकते तो आपको इन सरकारी कुर्सियों पर बैठे बाबू की जेब गर्म करनी होगी, जिसके बाद आपका काम हो जाएगा। बाबू किनारे जाके बोले हैं कि इतना कितना पैसा, लगेगा। हमसे लिए 3,000 रुपया लिए हैं। अब आपको दिखाते हैं सरकारी दफ्तरों के पीछे हो रहे काम की हकीकत। तस्वीरों में दिखाई देने वाले बाबू दरअसल 2015 से अपनी मार्कशीट के सत्यापन के लिए परेशान संजीव से पैसे मांगकर काम कराने की बात कह रहा है। 7,000 में काम करने को कहा, लेकिन संजीव ने 3,000 लेकर काम करने को कहा और फिर 3,000 की बात पक्की। लेकिन ये सारा मामला समाचार प्लस के कैमरे में कैद हो चुका था, लिहाजा सरकारी बाबू सफाई देने पर आ गए और सारा ठीकरा पीड़ित संजीव पर फोड़ दिया। अरे भाई, वो कागज में लखपेट करके दिया, हमको दे दिया। हम देखे नहीं, बिना पैसे का काम होता, हमने लौटा दिया पैसा उसका, भेज दिए हैं, कर दिए उसका। वीडियो में हुआ खुलासा भले ही नया हो, लेकिन यहाँ की कारस्थानी कोई नई बात नहीं है। यहाँ सत्यापन की आड़ में गोरख धंधा आम हो गया है। वाराणसी से राजू श्रीवास्तव, समाचार प्लस। तो देखा आपने मार्कशीट सत्यापन के लिए किस तरीके से घुसखोरी होती है। घुसखोरी कैमरे में कैद होने के बाद जेल में बंद अपराधी ने हमारे संवाददाता को धमकी दी। सवाल उठता है कि शिक्षा तंत्र का अपराधियों से कनेक्शन क्या है। राजू भाई, मैं इसमें शहरी आया हूँ, मेरी पेशी है, मैं हूँ आजमगढ़ जेल में, आपको पता है ना। ये जा रहा है अप्पू भाई, वो हमारे चाचा जी, हमारा एकदम घरेलू मतलब है वो। उसे चैनल पर पहले रुकवावा अप्पू भाई, को मैं बोल दिया हूँ, जा रहा है आपसे मिल करके, जो भी रहेगा वो हो जाएगा। ओके चैनल पर चले भाई, घर परिवार का बात हो गया। अभी कभी जेल में हुआ गा बंद? हाँ आजमगढ़ जेल में ही ना, यहाँ पेशी से आई ना बनारस से। समझा? तो स्टिंग दिखाने पर हमारे संवाददाता को धमकी दी, लेकिन मसला ये नहीं है कि समाचार प्लस के संवाददाता को धमकी दी। ऐसी सैकड़ों धमकियां समाचार प्लस के ठेंगे पर, ना डरे हैं ना डरेंगे। लेकिन मसला ये खड़ा होता है कि आखिर मार्कशीट माफिया का ये कारागार कनेक्शन है क्या। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पूर्व आईपीएस राजेश राय हमारे साथ हैं, इसके अलावा हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता कमलाकर त्रिपाठी हैं, बीजेपी के नेता अमित पुरी हमारे साथ हैं। सबसे पहले अमित पुरी जी, आप ही के पास मार्कशीट माफिया का कारागार कनेक्शन क्या है, किस तरीके से देखते हैं आप इसे? गायत्री जी देखिए, मैं अभी इस बहस के पहले जो बहस चल रही थी उससे इसको जोड़ता हूं। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था ये खाली शिक्षा जगत के अपराध, मार्कशीट का फर्जीवाड़ा, किसी मार्कशीट के वेरिफिकेशन में देरी, उसके बदले में भ्रष्टाचार, मामला इतना ही नहीं है। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की स्थिति का ये एक जीवांत उदाहरण है। आज आपने तिलक हॉल में जहां भी बैठकर अधिकारियों के पेच कसे हो सीएम साहब, उत्तर प्रदेश की सरजमी पे बैठा हुआ अपराधी
ये मानता है कि आज की तारीख में उसमें वो ताकत है कि वो मोबाइल फोन से किसी को भी उत्तर प्रदेश में अपराधी रहते हुए, बंदी रहते हुए, न्यायिक अभिरक्षा में रहते हुए, पेशी में जाते समय जेल के अंदर धमकी दे सकता है, और उसे मालूम है कि सरकार के अंदर उसके हित सुरक्षित हैं। और यह एक लिटमस टेस्ट होगा मुख्यमंत्री जी, आज आपने पेच कसे हैं, उत्तर प्रदेश की जनता देखना चाहती है कि जेल में बंद अपराधी उत्तर प्रदेश की व्यवस्था पर हावी रहेंगे या उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था हावी होगी। ये एक चुनौती है जो उत्तर प्रदेश की जनता आज देखना चाहती है कि हल्ला बोल की संस्कृति किसके ऊपर होगी, अपराधियों पे हल्ला बोला जाएगा या अपराधी व्यवस्था पे हल्ला बोलेंगे, ये एक चुनौती है जी। राजेश राय जी, आप इसे बेहतर बता पाएंगे, आपके पास हम आएंगे, लेकिन उससे पहले हम कमलाकर त्रिपाठी जी से इस पर रिएक्शन ले लेते हैं। कमलाकर त्रिपाठी जी, बेहद हैरानी वाली बात यह है कि मार्कशीट के सत्यापन के लिए हजारों रुपए दिए जाते हैं, घुसखोरी होती है शिक्षा बोर्ड में, और उससे भी अहम बात यह कि शिक्षा बोर्ड का ये कारागार कनेक्शन क्या है, यानी जब हकीकत दिखाई जाती है तो सीधे जेल से फोन आता है धमकी भरा। गायत्री जी, पूर्वांचल की एक कहावत है, तन का बढ़ल ठीक होला, मन का बढ़ल नहीं। मतलब आपका शरीर अगर बढ़ रहा है, स्वस्थ हो रहा है, वो तो अच्छी बात है, लेकिन मन अगर बढ़ जाता है, और खासकर जिस तरीके से इस प्रदेश में अपराधियों के हौसले बढ़े हैं, और उस हौसले बढ़ने के पीछे सिर्फ एकमात्र कारण है, वो है राजनैतिक संरक्षण। और ये आज की चीज नहीं है, ये पिछले 4.5 सालों में हर मौके पर ये परिलक्षित हुआ है। अगर मथुरा कांड हुआ जिसमें हमने अपने एसपी और इंस्पेक्टर को खोया, तो उसमें भी बात आई कि 2.5 साल से इनके चाचा जी के, माननीय मुख्यमंत्री जी के चाचा जी के संरक्षण में वो चीजें चल रही थी। आप ये समझिए, जब दुर्गा शक्ति नागपाल जैसी महिला खनन माफियाओं के अगेंस्ट अपनी आवाज को बुलंद करती है, चाबुक चलाने की कोशिश करती है, तो जो व्यवहार ये प्रदेश की सरकार उसके साथ करती है वो जग जाहिर है। जब इस देश प्रदेश में एक सीनियर आईपीएस, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री के पिता जो कि समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं, उन पर धमकी देने का आरोप लगाता है और उसका ऑडियो भी जारी करता है बाकायदा, आप ये समझिए ये कहां जा रहा है। इसी बनारस में जेल में जो है जिस तरीके का उपद्रव हुआ था कुछ महीने पहले की घटना है, और उसमें न इनका जेल प्रशासन कुछ कर पाया था, और बाहर से मंगवाई हुई जो है अर्ध सुरक्षा बलों की टुकड़ियां कुछ नहीं कर पाई। इन्होंने अपने जिलाध्यक्ष और अन्य नेताओं को भेजा जेल में, जिन्होंने उस हंगामे को शांत कराया, ये पूरे देश ने देखा। आप मुझे बताइए, किसी राजनीतिक पार्टी के अध्यक्ष या किसी पदाधिकारी का जेल में बंद अपराधियों पे क्या रसूख है कि वो उनके कहने से हंगामा बंद कर दे रहे हैं। ये उस घटना ने क्लियरली ये बताया कि बाहर बैठे हुए नेताओं और अंदर बंद अपराधियों के बीच में एक गठजोड़ चल रहा है, और वो गठजोड़ क्यों होता है, उसमें जहां जहां पैसे का इन्वॉल्वमेंट होता है, जो आप कारागार कनेक्शन ढूंढ रही हैं, वो कारागार कनेक्शन यही है, हमारे घर की तरह है वो। अगर वो उनके घर वाले भी होते तो भी एक बार बात समझ में आ रही थी। ये नेताओं पर अपराधियों का मतलब पैसा मिलना जोड़ है। दूसरी चीज, पेशी पर जा रहे अपराधी छोड़िए, अमर मणि त्रिपाठी जी गोरखपुर की, ठीक है कमलाकर जी, आपकी बात समझ आई, आपकी बात समझ आई। राजेश राय जी पूर्व आईपीएस हैं, वो इसे और अच्छे से बता पाएंगे। राजेश राय जी, आप इसे किस तरीके से देखते हैं, भ्रष्टाचार का ये कौन सा रास्ता है जो शुरू तो होता है शिक्षा बोर्ड से, लेकिन जाता सीधे जेल में बंद अपराधियों की तरफ? देखिए, इसमें मैं दो बातें कहना चाहूंगा। एक बात तो मैं कहना चाहूंगा, जो ये भ्रष्टाचार या घूसखोरी की बात है, ये जिसे कहते हैं एक जो फ्रेज है कि टिप ऑफ द आइसबर्ग है ये जो इतना जो भयानक जबरदस्त किस्म का ये जो भ्रष्टाचार का पूरा जाल फैला हुआ है, उसका ये छोटा सा एक नन्हा सा टुकड़ा है, जो आपके जाबाज और साहसी जो आपके पत्रकार हैं, उन्होंने जाकर के इसको अपनी, जिसे कहते हैं ना, वाकई अब तो वो बेचारे अपनी जान पे खेल करके जाकर के उन्होंने ये किया है, उनके साहस की सराहना करनी चाहिए। लेकिन वो जो आइसबर्ग का टिप है, वो एक नन्ही सी बात है। हर जगह तो आप देख रही हैं, एक अधिकारी शासन से भेजा जाता है वहां पर परीक्षण करने के लिए, निरीक्षण करने के लिए, कि स्थलीय रूप में क्या हो रहा है,
और वहां उसको शिकायत मिलती है कि जिसने 50,000 रुपए दिए हैं स्थानांतरण के लिए इस कनिष्ठ अधिकारी ने, उसका स्थानांतरण जो है वो हो गया तो नहीं जाएगा क्योंकि वो दे करके आया है। तो उस पे उन्होंने एक निर्दोष टिप्पणी, अपनी एक अनौपचारिक टिप्पणी ये कर दी कि भैया 70 लाख होता तो हम भी डीएम होते। एक बात उन्होंने कह दी, अपने दिल का दर्द किसी न किसी तरीके से कह दिया, मतलब जिसे कहते हैं निर्दोष टिप्पणी। नतीजा ये हुआ कि वो सस्पेंड हो गए, उनके खिलाफ कार्रवाई हो गई। जहां पर भ्रष्टाचार की जड़ें इस कदर, मतलब जिसे कहते हैं ना, धसी हुई हो पूरी की पूरी सिस्टम में, वहां पर ये चीजें तो होंगी। और भ्रष्टाचार जैसे अभी माननीय कमलाकर त्रिपाठी जी कह रहे थे कि जब लोगों को इस बात का पूरा भरोसा है कि हमारा कुछ होगा नहीं, जब ये मन में भाव है, मनोबल इतना ऊंचा है, मन बढ़ोही इतनी ज्यादा है, मन इतना बढ़ा हुआ है कि ये मालूम है कि हमारा कुछ होगा नहीं। और विशेष रूप से उस समय तो फिर भी कुछ नहीं होगा, बिल्कुल ही नहीं होगा, जब हम जेल के अंदर हैं, वहां तो हमारे लिए सेफ हेवन है, वहां पर हम जो चाहे कर सकते हैं, अपना पूरा का पूरा साम्राज्य चला सकते हैं। क्यों? कि जैसा उन्होंने बताया भी त्रिपाठी जी ने कि वहां पर वो गठजोड़ बना हुआ है, लोग वहां पर जाकर के अपने जो आका है वो आकर कहते हैं बेटा देखो अब शांत हो जाओ, ज्यादा हो गया। तो उन्होंने कहा ठीक है आप कह रहे हो तो हम शांत हो जाते हैं। जहां पर ये नौबत है वहां पर जाकर के वो आदमी, और जो ये घूस लेने वाला आदमी है उसकी जब अपनी नौकरी पर बंद करके आई तो उसके भी कनेक्शंस हैं, और उसने उन कनेक्शंस को जोड़ करके धमकाने का काम शुरू कर दिया। ये तो बहुत ही जिसे कहते हैं शर्मनाक स्थिति है और बहुत ही भयावह स्थिति है कि जो ये मीडिया जो चौथा स्तंभ है वो अपना काम कर रहा है। अभी अभी जब पिछली बार अभी बात हो रही थी, पिछले अभी पैनल डिस्कशन में तो उसमें बात हो रही थी, मेरा कहने का मतलब है कि जब लोगों में इस बात का भय ही खत्म हो गया, किसी तरह का डर नहीं रह गया, इतना मन बढ़ गया कि जो मीडिया है उसको भी धमका करके, उसको धमकी दे करके ये बात कही जा रही है कि अगर तू चलाई बात ठीक ना हुई, हमारे रिश्तेदार हो, ये कोई बात हुई, अगर वो अपना काम कर रहे हैं उनको काम भी नहीं करने देंगे, तो ये बात केवल इतनी है कि मनोबल इतना बढ़ गया है, ये जो गठजोड़ है वो माफियाओं का अपराधियों का इतना पुख्ता हो गया है कि ये जितनी भी अब कोशिश की जा रही है, जैसे अभी आप बात कर रही थी, ये जो अब कोशिश की जा रही है 4.5 साल बाद कि भाई कप्तान साहब जरा ध्यान रखो, कप्तान साहब जरा ठीक काम करो, कहां से कर लेंगे? जो जब इतना मन बढ़ गया है 4.5 साल में, तब तो इसको कहां के पेच कसे जाएंगे इतने कम वक्त में, ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। समाजवादी पार्टी के नेता आसिम वकार भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। वकार भाई, आपने भी देखा होगा स्टिंग, किस तरीके से शिक्षा बोर्ड में जो बाबू हैं वो मार्कशीट सत्यापन के लिए घूसखोरी कर रहे हैं, पैसे ले रहे हैं, उस पर जब समाचार प्लस ने स्टिंग को दिखाया, हकीकत को दिखाई, तो सीधा जेल से फोन आता है पिंचू नाम के एक अपराधी का, और वो ये कहता है कि इस खबर को फौरन बंद किया जाए। मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि मार्कशीट माफिया का कारागार कनेक्शन है क्या? नहीं, सबसे पहली बात तो आपने स्टिंग चलाया है, मैंने देखा नहीं है, मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन अगर स्टिंग ना भी चलाते आप तो भी ये मैं समझता हूँ बहुत खराब बात है। और इस तरह की जो भी हरकतें हो रही हैं, जिस तरह के अपराध हो रहे हैं, इनको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, किसी भी कीमत पर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ये तो आपकी तारीफ है और आपके पत्रकार की बहादुरी है कि उसने इस तरह के लोगों के स्टिंग करने के बाद आवाम के सामने लाने की कोशिश की है। मैं अप्रिशिएट करता हूं, मैं उनको बधाई देता हूं, बधाई के पात्र वो भी हैं, आपका चैनल भी बधाई का पात्र है कि उत्तर प्रदेश में जो छुपे हुए इस तरह के लोग ऑफिसेज में या विभागों में हैं, हम किसी तरह से ऐसे लोगों को खोजकर खुद इनके खिलाफ कार्रवाई करना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने सख्त निर्देश दिए हैं, आप सब जानते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने गाहे बगाहे आप देखते होंगे कि वो इस तरह की हिंट्स देते हैं, मैसेजेस देते हैं, अधिकारियों से बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त करना है, लेकिन ये कुछ चंद लोग इस तरह के हैं जो गायब छुप छुपा के कहीं ना कहीं हम लोग की नजरों से बच के इस तरह काम कर रहे हैं। उसके लिए मैं बहुत बधाई देता हूं समाचार प्लस को कि आपने ये किया है और इसके खिलाफ कार्रवाई होगी। आपका चैनल माननीय मुख्यमंत्री जी की नजर में है, जेरे नजर है, और मुख्यमंत्री हो, हमारा प्रशासन हो, शासन हो, आपके चैनल पे नजर रखता है। कह रहे हैं कमलाकर जी, हुई है चाहे जेल से फोन की बात हो, इसकी भी जांच होगी। कमलाकर जी, फोन अंदर कैसे पहुंचा है, जेल के अंदर कैसे पहुंचा है, ठीक है वकार भाई, सबकी जांच करने के बाद आपके जो आपने स्टिंग चलाया है इसकी कार्रवाई करेंगे। ठीक है। इस प्रदेश में यूपीएससी चेयरमैन अनिल यादव जी, जिनके खिलाफ तमाम प्रदर्शन हुए, जिनके खिलाफ तमाम आरोप थे,
लास्टली कोर्ट के निर्देश पर उनको हटाना पड़ा। ये सरकार वो सरकार है जिसके तमाम सिलेक्शन जितने किए गए उसमें से 7 से 8 सिलेक्शन जो है वो कोर्ट के निर्देश पर रिवर्ट बैक करने पड़े। ये वो सरकार है जहां भ्रष्टाचार का आलम यह है कि लोकपाल कोर्ट को गलत फॉर्मी में रख करके जो नियुक्ति की जाती है बाद में कोर्ट के द्वारा उस नियुक्ति को रद्द करके लोकपाल की और दूसरे लोकपाल के नियुक्ति पर पलट दिया है। आसिम भाई अभी पार्टी की सरकार वो ताकतवर वो उसे हमारे कार्य नहीं होने वाला है। वकार भाई जवाब दीजिएगा, वकार भाई जवाब दीजिएगा, पहले सुन तो लीजिए कमलाकर जी बोल क्या रहे हैं। इस तरीके से अमरमणि त्रिपाठी जी जेल में रहते हुए उनको सुविधाएं दी जाती है हॉस्पिटल की बिना किसी आधार के, और उसका वीडियो जारी होता है कि एक व्यक्ति जो पुलिस अधिकारी बनकर जाता है जिसके ट्रांसफर के लिए वो सरेआम कहते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, जहां पोस्टिंग चाहोगे वहां पोस्टिंग हो जाएगी। वो जेल में बैठे लोग जब थाने पुलिस की पोस्टिंग कराते हैं तो आप ये समझ सकती हैं कि किस तरीके का नेक्सस है अपराधियों में, ठीक है, अधिकारियों में और उच्च पदस्थ जो है आला उनके जो हाईकमान बैठे हुए हैं उन लोगों में किस तरीके का नेक्सस है। पूरी समाजवादी पार्टी में स्थितियां इतनी बद से बदतर होती जा रही हैं, जिस गाड़ी में सपा का झंडा उस गाड़ी में बैठा गुंडा, आम आदमी के दरवाजे पर अगर 4 बार अगर उसकी जमीन खाली है और वहां से 2 बार समाजवादी पार्टी की एसयूवी से नीचे तो ये लोग चलते नहीं, तो ये अगर 4 बार घूम जाती है स्कॉर्पियो जैसी गाड़ियां तो पूरे प्रदेश में जी आदमी इतनी सासत में। कमलाकर जी आपकी बात आ गई, अमितपुरी जी बकार भाई आ रहे हैं आपके पास। अमितपुरी जी क्या ये राजनीतिक जो लोग हैं और अपराधियों के बीच का गठजोड़ है जैसा कि कमलाकर जी कह रहे हैं, और ये मकर जाल है कितना बड़ा? क्योंकि हम कई चीजें कई एग्जाम्पल कमलाकर जी ने भी दिए, राजेश राय जी ने भी दिए, कई सिस्टम है, कई सरकारी चीजों को वहां से बैठकर हैंडल करते हैं अपराधी। देखिए उत्तर प्रदेश में आप ये डिस्टिंक्शन कर ही नहीं सकते कि कौन क्रिमिनल है और कौन पावर कॉरिडोर के अंदर है, क्योंकि ये डिस्टिंक्शन मिट चुका है। पावर कॉरिडोर और क्रिमिनल ये हैंड इन हैंड है उत्तर प्रदेश के अंदर, ये उत्तर प्रदेश की एक राजनीतिक सच्चाई है। ये अमितपुरी नहीं कह रहे, ये मुलायम सिंह जी का हर हफ्ते का दर्द है कि गुंडाई बंद कर दो, कब्जे बंद कर दो, आपके मंत्री माल ले रहे हैं, इस तरह से कहते हैं। अगर आप मेरी बात के ऊपर रिएक्ट कर सकते हैं लेकिन मुलायम सिंह जी की बात तो आपको नसीहत लगती है, अरे तो बुजुर्ग की नसीहत को एक बार में मान लीजिए, हर हफ्ते वो नसीहत क्यों देनी पड़ती है? यह राजनीतिक सच्चाई है जिससे कि समाजवादी पार्टी के मित्र इनकार नहीं कर सकते, लेकिन यह सारी सच्चाई विक्रमादित्य मार्ग से तो नजर आती है लेकिन सत्ता के शीर्ष में बैठा हुआ व्यक्ति विक्रमादित्य नहीं बन पाता, यह भी एक राजनीतिक सच्चाई। बकार भाई जवाब दीजिए। वो कालिदास बन करके अपनी ही डाल को काट रहा। देखिए सबसे पहली बात तो कमलाकर जी ने एक अल्फाज बोला है कि जिस गाड़ी पर सपा का झंडा, इन्हीं ने आगे बोला, मैं इतना बोल दूं कि 60 साल तक हिंदुस्तान की आवाम के खून पसीने की कमाई को ये कांग्रेस के लुटेरे मंत्री और कांग्रेस के लुटेरे नेता लूट लूट कर अपनी जेबें भरते रहे हैं। तो मैं इस पर कहना चाहता हूं कि जिस गाड़ी पर कांग्रेस का पंजे वाला झंडा, उस गाड़ी में बैठा है भ्रष्टाचारी लफंगा। और इन बकार भाई सभी से अपील है ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए, समाचार प्लस रिपोर्टर का मतलब नहीं कहता ऐसे शब्दों का। पॉलिटिकल डिस्कोर्स के अंदर गुंडा फैला रही है आपने, गुंडा नहीं सबसे अपील है, आपने गुंडा फैला दिया हम लोग को, सबसे अपील है, सबसे अपील है। नहीं मैंने कुछ नहीं दोहराया, मैंने कुछ नहीं दोहराया, आप दोनों से अपील है, आप दोनों से अपील है कि सभ्य शब्दों का इस्तेमाल करें। बस आप ये बताइए मुझ जैसा, आप ये बताइए मुझ जैसा गरीब आदमी जिसके पास अपनी एक कार नहीं है,
वो आदमी आपको कहीं से गुंडा लग रहा है? मैं कमलाकर जी से पूछ रहा हूँ कि क्या आप मुझे गुंडा मानते हैं? क्या गणेश जी को कहते हैं वो? क्या नेताजी उनके सामने है? आजम खान साहब उनके सामने है? शहीद बंदूर साहब उनके सामने है? आप किस तरह की बात कर रहे हैं? सुपाल जी उनके सामने है, आप हमें गुंडा कहेंगे? आपको शर्म नहीं आती है? बकार भाई आप ये तो बताइए कि कनेक्शन है क्या? आपको कहां से साबित करना पड़ेगा? लेकर के जो है दो दो बार धरने पर कोई कनेक्शन नहीं है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने बकार भाई फिरौती के लिए कॉल तो जेल से जाता है, अब शिक्षा बोर्ड में घूसखोरी की हकीकत दिखाओ तो कॉल जेल से आता है। ट्रांसफर पोस्टिंग सब जेल से हो रहे हैं। आप कह रहे हैं कि दो चार लोग हैं, कुछ एक लोग हैं, उस पर कार्रवाई होगी। दिक्कत तो यही है ना कि आप इसको हल्के में लेते हैं और अब इतना ज्यादा बढ़ चुका है मनोबल ऐसे माफियाओं का कि हर हर सिस्टम को घुन लगा रहे हैं। नहीं, कोई हल्के में नहीं ले रहा हूं मैं। अगर एक भी अपराधी उत्तर प्रदेश में इस तरह का कहीं मिलता है तो मैं उसको भी बहुत भारी में लेता हूं। ये अपराध मुक्त प्रदेश ऐसे नहीं बनेगा कि हम हल्के में लेने लगेंगे। ये अपराध मुक्त प्रदेश इस तरह बनेगा कि आप जैसे लोग, आप जैसे चैनल्स आगे आएंगे, स्टिंग्स करेंगे, अपराधी जहां छुपे बैठे हैं उनको खोज कर निकालेंगे, हम कार्रवाई करेंगे और इस उत्तर प्रदेश को हम और जब हम ही सब कुछ करते रहेंगे तो आप क्या करेंगे बकार भाई? हम ही सब कुछ करते रहेंगे तो आप लोग क्या करेंगे? आपको तो सत्ता में बैठा है इसीलिए। राजेश राय जी, अभी बकार भाई कह रहे हैं कि हम हमेशा ऐसे मसलों को लेकर गंभीर रहे हैं, सरकार गंभीर रही है, तो फिर इतना मनोबल क्यों बढ़ा माफियाओं का, जैसा कि आप भी कह रहे हैं? ऐसा है कि मैं आपके यहाँ चैनल्स पे जो है, आपने मुझे कई बार आप मौका देते हैं, आप लोग, हम लोग यहाँ पे आए हैं और हर बार डिस्कशन में ये बात होती है कि ये जो हुआ है इसको नहीं होने देंगे और जो हुआ है इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। और ये कार्रवाई करने के बाद मैं समझता हूँ कि हफ्ते भर के अंदर अंदर आप फिर किसी न किसी मौके पर बुला लेते हैं लोगों को, क्योंकि वो कार्रवाई करेंगे। वो बात अपनी जगह सही है, वो जो आपका ये कथन है ये बात कहने लायक है। और जहां तक आपकी अपनी व्यक्तिगत बात है तो माननीय आपके बारे में कोई कुछ कह भी नहीं रहा है, लेकिन बात जो एक सिस्टम बन गया उसके बारे में कही जा रही है, जो माहौल बना हुआ है उसमें कहा जा रहा है। आप जैसे अगर एक आध जो है वो क्या कहते हैं, एक आध दो लोग इस तरह के लोग हैं भी तो वो एक्सेप्शन है, लेकिन जो अपवाद इसके अलग जो सब कुछ है वो तो वो है जो माननीय कमलाकर त्रिपाठी जी ने कहा अभी, तो उनके बारे में आप भी कुछ नहीं कर सकते। आप अपनी बात कह सकते हैं कि हाँ नहीं मैं कुछ ऐसा नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन जो इस तरह का माहौल बना हुआ है, जो लोगों का मन बढ़ा हुआ है, जब तक उन अपराधियों का मन तोड़ने के लिए जब तक वो पॉलिटिकल विल नहीं होगी वहां पे मन नहीं बनेगा। बिल्कुल नहीं, चाहे कोई भी हो, हमारे घर का हो, हमारे शक्ति के साथ काम नहीं होगा तब तक इस तरह के नेक्सस फलते फूलते रहेंगे और ऐसे ही हर व्यवस्था को घुन लगाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। राजेश राय जी आपका, कमलाकर जी आपका, अमितपुरी जी आपका, वकार भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में बने रहने के लिए। बुलेटिन में इतना ही, आप देखते रहिए समाचार प्लस।